हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ग्रेस मिला है तो उसको कैसे हटा सकते हैं। एक्चुअली जब रिज़ल्ट निकलता है तो कई बच्चे इस संबंध में क्वेश्चंस करते हैं और उन समय उनके क्वेश्चंस का जवाब दे पाना हर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है UPBT रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मैं हर एक बच्चे से अनुरोध करता हूँ कि जब भी कोई आपको क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ पर आपसे रिलेटेड कोई वीडियो है, तो पहले एक बार उसका अवलोकन कर लें, उसके बाद आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज़ फिर आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेस अगर मिल गया है तो उसे कैसे हटा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ वीडियो मैंने ग्रेस के ऊपर बना रखे हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं कि ग्रेस अपनी मर्ज़ी से मिलता है या फिर आप उसे ले सकते हैं या क्या रूल्स होते हैं ग्रेस के, वो सब तो एक अलग चीज़ हो गई। उनके वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लिंक। मैं इसमें बात करूंगा कि ग्रेस हटा कैसे सकते हैं। तो देखिए, ग्रेस को बैक देकर तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि बैक तो उस सब्जेक्ट में होगा जिसमें कि बैक पेपर भर पाएंगे आप। जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल गया है उस सब्जेक्ट में फिर आप जो है वो उस ईयर में तो आप पास हो चुके हैं, तो ग्रेस मिलने का मतलब है कोई बैक नहीं रह गई है और आप अब पास होकर के नेक्स्ट ईयर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप ग्रेस हटा सकें, हटा दिया जाए, या मार्कशीट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या कभी कभी थोड़ा बहुत फ़र्क इसका इंटरव्यू के टाइम पे भी पड़ता है नौकरियों में, तो उसको हटाने का एकमात्र यही तरीका है कि आप उस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी या रिवोल्यूशन का फॉर्म भरें। और स्क्रूटनी रिवोल्यूशन के फॉर्म से अगर आपके मार्क्स इतने बढ़ जाते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में अपने आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपकी जो नई मार्कशीट आएगी उसमें ग्रेस हट जाएगा और आपका जो है वो बिल्कुल फ्रेश मार्कशीट हो जाएगी। उस सब्जेक्ट में भी नंबर ठीक हो जाएंगे और ग्रेस जो है उसमें नहीं दिखाई देगा। तो यही एकमात्र वो तरीका है जो ग्रेस को हटा सकता है। अदरवाइज़ बैक वैक वगैरह से या कुछ करके आप नहीं इसको हटा सकते। और ग्रेस के हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहीं पर आपको इससे जो है वो धोखा खाना पड़ सकता है, तो वो भी मैंने आपको डिफरेंट वीडियोस में बता रखा है। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उन सारे वीडियोस के। और फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आपको इस तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है अपने चैनल पर UPBT रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके वीडियोज़ को एक बार देख डालें। जब भी कभी खाली टाइम भी हो तब भी आप जो है उसके वीडियोज़ को देख लिया करें, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन एकदम से आ जाएगी तब आप जो है वो अपने आप उसमें डिसीज़न ले सकेंगे। अब होता यह है कि जब रिज़ल्ट निकलता है तो हर बच्चा फ़ोन करना चाहता है, हर बच्चा बात करना चाहता है, और एक साथ इतने फ़ोन आने पर हम उठा भी नहीं पाते हैं, हम भी बिज़ी होते हैं नहीं उठा पाते हैं, या फिर उठाने पर फ़ोन क्वेश्चन वही मिलता है जो हमने जिसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है। अब अगर हम शॉर्ट में आंसर दें तो बच्चे के समझ में नहीं आता है, फिर वो और डिस्कस करता है। तो इससे बेटर है कि आप लोग ये वीडियोज़ देखें, इनमें हम अपनी बात को इत्मीनान से बता देते हैं और उसके ऊपर के जो कमेंट्स होते हैं उन्हें भी पढ़ लिया करें। कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें अगर छूट जाएं तो बच्चे कुछ कमेंट में पूछते हैं, आप उन क्वेश्चंस को पूछें और उसमें जो आंसर दिया है मैंने उससे भी आपकी काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं सॉल्व हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया है वो आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।